नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। अब आज मैं आंदोलन दूसरा आंदोलन पढ़ा रहा हूँ। पहला आंदोलन मैंने ढाल विद्रोह पढ़ा दिया था, अब हरि बाबा विद्रोह आज पढ़ाऊँगा, हरि बाबा आंदोलन। चलिए पहले ये इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1931 ईस्वी में। पहली बार क्यों कहा जाता है इसे हरि बाबा आंदोलन? देखिए इसके रीजन क्या है। इस आंदोलन को शुरुआत जिस महापुरुष ने किया था उसका नाम था दुका हो। ठीक है, दुका हो, ये हो जाति के थे। ठीक है, दुका हो को हरि बाबा के नाम से लोग जानते थे। ठीक है, इसका उपनाम था, लोग इसे हरि बाबा कह के बुलाते थे। तो इसीलिए दुका हो ने इस आंदोलन को शुरू किया और उसी के जो उपनाम है उसी उपनाम से ये आंदोलन जाना गया, हरि बाबा आंदोलन। अब ये कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ आप देख लीजिए, हो जनजातियों ने शुरू किया था। तो हो कहाँ, हो का निवास स्थान कहाँ है? कोल्हांची रीजन। ठीक है, एकदम मान के चलिए हो कोल्हान में ही पाया जाता है। ऐसे तो आजकल बिखराव हो गया इधर उधर, बट हो लोगों का मूल निवास स्थान कोल्हान ही है। ठीक है, तो कहाँ हुआ होगा? कोल्हान, सिंहभूम में है। तो इसी मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। दूसरी बात, ये आंदोलन का क्यों हुआ, क्यों जानिए। देखिए ये आंदोलन सामाजिक प्लस धार्मिक से शुरुआत हुई थी। जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ समाज की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो ये आंदोलन पूछेगा कैसा आंदोलन था, जो सामाजिक और धार्मिक। देख लीजिए हो लोगों के उत्थान के लिए ये आंदोलन चलाया गया। ईसाई मिशनरियों ने उधर कब्जा कर लिया पूरे सिंहभूम रीजन में। हो जनजाति के लोगों को क्रिश्चियन बनाने लगा लोभ से या उसको फुसला के। तो सारे लोग क्रिश्चियन होते चले गए, क्रिश्चियन होते चले गए। तो इन लोगों का जो धर्म है, मूल धर्म जो झारखंड का है आदिवासियों का, दैट इज सरना धर्म। सरना, अब जब सब क्रिश्चियन बनने के होड़ जब लोगों में आ गया तो ऑटोमेटिकली इसका धर्म पे, सरना धर्म पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने इस आंदोलन के जरिए ये सरना धर्म का उत्थान का काम किया कि सरना धर्म को लोग छोड़ के ना जाए। सरना धर्म के खूबियों को लोगों में बताने लगा। सरना धर्म को पुनर्स्थापना करने की कोशिश किया गया। तो आप क्वेश्चन पूछेगा क्यों हुआ? हो लोगों के उत्थान के लिए। उन लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लगे थे ड्यू टू ईसाई मिशनरीज के द्वारा। इसीलिए आंदोलन क्या था, धार्मिक था। और धर्म जब हो गया तो सामाजिक भी हो गया। धर्म से समाज पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट होता है कि इस आंदोलन हरि बाबा जो थे ये अपने गुरु किसको मानते थे? गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी से। ठीक है, तो गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होके इन्होंने अपने हरि बाबा मूवमेंट को राष्ट्रीय, हरि बाबा ने क्या किया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ दिया गांधी जी के प्रभाव में आगे। तो अब ये जो आंदोलन था अब राजनीतिक भी हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को हटाओ ये राजनीति का सब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में कैसे तब्दील हो गया? महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण। एक और क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के दो आंदोलन में गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी का प्रभाव झारखंड के दो आंदोलन पे था। एक था टाना भगत आंदोलन, ठीक है, दूसरा है हरि बाबा आंदोलन। इसमें कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, हरि बाबा आंदोलन। ये दोनों आंदोलन में गांधी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस आंदोलन के द्वारा काम क्या किया किया गया, दिकुओं को भगाने का कोशिश किया गया। दिकुओं को, दिकू कौन होते हैं भाई? नॉन सरना धर्म को मानने वाले, नॉन सरना धर्म को मारने वाले को लोग दिकू कहते थे। मतलब क्रिश्चियंस को और अदर सदान जातियों को भी ये दिकू कह के बुलाते थे। जमींदार वगैरह जितने भी थे जो इन लोगों का शोषण करते थे। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण रूप से चला, लेकिन एक दिन हुआ क्या, 15 मई 1931 ईस्वी में जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और जितने टेलीग्राफ के तार थे कोल्हान रीजन में सबको उखाड़ के फेंक दिया गया, जिसके वजह से अंग्रेजी सेना ने इसके ऊपर कार्यवाही की और बड़ी आसानी से इसे तुरंत दबा दिया गया। और उसी तरह एक छोटा सा आंदोलन था जिसका अंत हो गया। और इसमें से क्वेश्चन और आता है, इस आंदोलन से जुड़े कुछ व्यक्ति का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कुछ व्यक्ति का नाम मैं बता देता हूँ। दैट इज बामिया हो। दो तीन आदमी, एक बामिया हो का नाम याद रखिए। बामिया हो, इसमें सिर्फ हो जातियों का ही था। बामिया हो गया, उसके बाद सिंगराई हो गया, हरी हो गया। सिंगराई हो का नाम रखिए, सिंगराई हो, दुल्ला हो। ये इसमें बामिया हो का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये तीनों में से किसी का नाम याद रखें या ना रखें, ये बामिया हो का जरूर याद रखें। एक विरजो हो भी थे। ये चार आदमी मतलब मेन नेता के रूप में उभरे थे। हरी बाबा मैंने दुका हो को तो आपको याद रखना पड़ेगा, और बामिया हो को याद रखिए, ठीक है। पूछ देगा बामिया हो किस आंदोलन से संबंधित थे। बस ये छोटा सा आंदोलन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी ईस्वी 1931 जो टफ है। बाकी सब इस आंदोलन के जितने ये बताए ना, सिर्फ आपको हो एरिया याद रहेगा तो कहाँ हुआ, कब हुआ, सब याद रह जाएगा, क्यों हुआ। चलिए दोस्तों, ये छोटा सा आंदोलन मैंने कवर कर लिया। इसके बाद मैं तीसरा आंदोलन लेके आऊँगा जो झारखंड में घटित हुए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।